everyone, hello, welcome back to our channel Sugar Flex. First of all, I would like to thank you all for giving us immense response to our first vlog. And to continue on that, आज हम फिर से एक नया vlog लेके आए हैं कश्मीर के ऊपर ही, but this time it's all about the shooting spots in Kashmir. So guys, enjoy the vlog, but don't forget to like, share and subscribe. So let's begin to explore the Bollywood movie shoots in Kashmir ki wadiya. हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो क्योंकि मैं पोनी राइड पे हूँ अभी, मैं एक स्टेबल वीडियो नहीं बना पा रही हूँ, एक्सक्यूज मी फॉर दैट. दोस्तों, ये जगह के बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ. ये जगह है सोनमर्ग. आप जब पोनी राइड पे ग्लेशियर्स पॉइंट तक जाते हो तब बीच में ये स्पॉट आता है. दोस्तों, 1982 में यहाँ पे सत्ते पे सत्ता मूवी के ये गाने का शूट हुआ था. दोस्तों, यही सॉन्ग का एक सीन यहाँ पे शूट हुआ था. ये हम पहलगाम में है अभी, और यहाँ पे इसको मिनी स्विट्जरलैंड बोलते हैं, वो वाली जगह पे हुआ था ये अगला शूट. दोस्तों, यही गाने के कुछ सीन्स हुए थे गुलमर्ग में शूट. अभी मैं एटीवी राइड पे हूँ, मैं यहाँ पे स्टॉप नहीं ले रही हूँ, इसलिए मैं आपको ऑन वे लोकेशन दिखा रही हूँ. दोस्तों, ये जगह को बोलते हैं कश्मीर वैली, और यहाँ पे हुआ था गाने के ये कुछ हिस्सों का शूटिंग. दोस्तों, राम तेरी गंगा मैली मूवी का शूटिंग हुआ था 1985 में. ये जगह को बोलते हैं सोनमर्ग. सोनमर्ग में आप जब ग्लेशियर्स पॉइंट तक जाओगे तब बीच में आपको ये जगह देखने को मिलेगी. कुछ गानों के सीन्स का शूट दोस्तों, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मूवी में तो पानी का ज़्यादा फ्लो दिख रहा है जो यहाँ पे नहीं दिख रहा है, इसकी एक वजह ये है कि मैंने ये ब्लॉग बनाया था सितंबर में, और क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा बर्फ़ मेल्ट हो चुकी होती है, सितंबर में बर्फ़ नहीं मिलती उतनी, इसलिए यहाँ पे अभी पानी का फ्लो कम दिख रहा है. दोस्तों, ये जो छोटा सा ब्रिज आप देख रहे हो, ये बहुत मामूली ब्रिज लग रहा है, पर यहाँ पे बहुत सारे मूवीज के शूटिंग हुए हैं. मैं इसी व्लॉग में आपको आगे और भी मूवीज दिखाऊंगी जिसके शूटिंग्स यहाँ पे हुए हैं. ये बहुत ही पुराना ब्रिज है. तो दोस्तों, इसी मूवी के बाकी के सॉन्ग्स के शूटिंग हुए हैं पहलगाम में. अभी हम आ चुके हैं पहलगाम में, और अब हम आपको दिखा रहे हैं इसी लोकेशन पे शूट हुए कुछ हिस्सों को. जो चला है डाल के मेरे हाथ में अपना हाथ, मैं ही मैं हूँ दूसरा कोई.
दोस्तों डाउट मत कीजिएगा, उस वक्त ब्रिज अलग था, अभी ब्रिज पूरा कॉन्वेक्स हो चुका है, रिनोवेट हो चुका है, इसलिए आपको अलग दिख रहा है, पर लोकेशन यही है आरुवेली। दोस्तों ये पहलगाम की बहुत ही ऐतिहासिक वैली है जिसको बोलते हैं बेताब वैली। पुराने से लेकर नए तक के बहुत सारे मूवीज के शूटिंग्स और गाने यहाँ पे शूट हुए हैं। दोस्तों सभी मूवीज को तो नहीं, पर मैंने कुछ मूवीज को मेंशन किया है मेरे व्लॉग में आगे, प्लीज आप देखिए। और आप जब भी पहलगाम जाइए यहाँ पे जरूर जाइएगा। दोस्तों ये लेक और ये मूवी दोनों के बारे में आपको पता ही होगा क्योंकि दोनों ही बहुत मशहूर है। 1964 में कश्मीर की कली का ये गाना यहाँ पे शूट हुआ था, पूरा गाना ही यहाँ पे शूट हुआ था, मैंने आपको कुछ अंश दिखाए हैं। दाल लेक तब भी उतना खूबसूरत था और आज भी उतना ही खूबसूरत है। दोस्तों 1974 में फिल्म आपकी कसम का ये गाना यहाँ पे शूट हुआ था। ये जो शिव मंदिर आपको दिख रहा है, जी हाँ मैं उसी की बात कर रही हूँ। वैसे ये पिक्चर्स देखने के बाद आपको पता चल ही गया होगा कि मैं कौन से गाने की बात कर रही हूँ। ये गाने का पूरा शूट हुआ था गुलमर्ग में। दोस्तों ये वापस हम आ चुके हैं मशहूर बेताब वैली में। 1983 में शूट की गई ये मूवी इतनी सुपरहिट रही थी कि तब से ये पूरे वैली का नाम ही हो चुका है बेताब वैली। वैसे तो दोस्तों पूरी मूवी का शूटिंग हुआ था यहाँ पर मैं आपको पूरा मूवी तो नहीं दिखा सकती, तो मैं आपको इसके बहुत ही फेमस एक गाने का थोड़े से अंश दिखा रही हूँ, प्लीज एंजॉय। बेताब वैली का ओरिजिनल नेम था हगुन वैली, पर 1983 में जब ये बेताब मूवी रिलीज हुई और वो इतनी सुपरहिट रही कि उसके बाद से ये इतनी फेमस हो गई ये जगह कि इसको बेताब वैली के नाम से ही जाना जाता है, जिसे हमारे देश का हेवन कहते हैं। ये जगह इतनी खूबसूरत है कि यहाँ पे पुराने से लेकर नए सभी फिल्मों के गाने यहाँ पे शूट हुए। दोस्तों ये जैसे मूवी का नाम ही है मिशन कश्मीर, सन 2000 में ये मूवी का शूटिंग हुआ था कश्मीर में, पूरी ही मूवी यहाँ पे शूट हुई है। लेकिन मैं अभी आपको दाल लेके कुछ अच्छे और फेमस इसके जो स्पॉट्स है वो मैं आपको अभी दिखा रही हूँ यहाँ। दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया ये ब्रिज बहुत ही पुराना है, 2018 में शूट किया गया रेस 3 का ये गाना। मूवी जब तक है जान 2018 में शूट हुई थी यहाँ पे, इसके बहुत सारे सीन्स बेताब वैली में और गुलमर्ग में भी शूट हुए थे। ये मैं आपको अभी पहलगाम के शूट्स दिखा रही हूँ। ब्लॉकबस्टर मूवी शूट हुई थी 2013 में,
इसमें दिखाया गया है मनाली, पर मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इसके बहुत ही सारे सीन्स शूट हुए हैं कश्मीर में, खास करके पहलगाम में। You guys, come on! Hey! Hey, idiot! Okay. So, I choose... He chooses me! वैसे ये जगह है ही इतनी खूबसूरत कि इतने सारे मूवीज के शूटिंग हुए हैं यहाँ पे। बजरंगी भाईजान के क्लाइमेक्स में यहाँ पे पाकिस्तानीज होते हैं और यहाँ पे इंडियंस होते हैं, बीच में बॉर्डर बनाया हुआ होता है और ये वही रिवर है जहाँ मुन्नी और सलमान खान दोनों एक दूसरे की ओर जाते हैं जब मुन्नी मामा करके चिल्लाती है। इस टाइम यहाँ पे थोड़ी बर्फ भी थी और यहाँ पे फेंसिंग लगा के उन्होंने सेट रेडी किया था। वैसे दोस्तों आपको ये देख के ही पता चल गया होगा कि ये मैं किसकी बात कर रही हूँ। जी हाँ, ये वही मुन्नी का घर है जो आपको पाकिस्तान में दिखा रहे हैं मूवी में, जो असल में है पहलगाम में। दोस्तों ये वही घर है जहाँ पे मुन्नी की अम्मी जो है वो वेट कर रही थी मुन्नी का, और पीछे से मुन्नी दौड़ती हुई आती है और उसको देख के जैसे वो दोनों हग करते हैं एक दूसरे को, ये वही जगह है। ये देखिए जहाँ से मुन्नी दौड़ के आती है और ये हग करते हैं एक दूसरे को। ये वही स्पॉट है जहाँ क्लाइमेक्स में सलमान की मारपीट होती है। दोस्तों ये देखिए एक और सीन बजरंगी भाईजान का यहाँ पे शूट किया गया है। ओके सो सभी तो नहीं, पर मैंने ट्राई किया है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा मूवीज़ के स्पॉट्स आपको दिखा सकूं। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और अगर आप कुछ सजेशन भी देना चाहे यू फील फ्री टू कमेंट ऑन दैट, क्योंकि हम बिगिनर्स हैं, वी आर एक्सपेक्टिंग सो मच सपोर्ट फ्रॉम यू। थैंक यू सो मच।